बॉडीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। क्या गांव का नाम क्या है? नौगवा तीर। क्या? विकासखंड कुड़वार। अच्छा, और सुल्तानपुर, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर, और लोकसभा भी सुल्तानपुर है। क्या विधानसभा हिसौली, यही इकलौती सीट है 5 विधानसभाओं में जो समाजवादी पार्टी के पास है। बाकी जो 4 सीटें हैं वो भाजपा के पास है। तो ये तो हो गया विधानसभा का हाल। अब लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, हम पूरा उत्तर प्रदेश कवर कर रहे हैं, घूमते घामते सुल्तानपुर पहुंचे हैं। सुल्तानपुर अपने आप में एक हॉट सीट, चर्चित सीट है, क्योंकि यहाँ से मेनका गांधी सांसद हैं। उससे पहले वरुण गांधी यहाँ से सांसद हुआ करते थे। वरुण गांधी की अब की बार टिकट मिला रही पीलीभीत से, मगर मेनका गांधी चुनाव लड़ रही हैं, एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। सामने समाजवादी पार्टी से राम भुवाल निषाद हैं, पुराने नेता हैं, कई बार विधायक रहे हैं, समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री भी रहे हैं। बसपा से उदराज वर्मा, ये 3 प्रमुख प्रत्याशी हैं। शुरुआत करते हैं भाई कि सुल्तानपुर में हम गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में आए हैं, तो यहाँ क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, ये जानेंगे समझेंगे। क्या नाम है बाबूजी आपका? हमारा केदारनाथ तिवारी, पंडित केदारनाथ तिवारी। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ पर जीवन पर्यंत यही जीवन हुआ और यहीं पर व्यतीत होने जा रहा है। तो आपने तो सुल्तानपुर में तमाम नेताओं को आते जाते, लड़ते हारते देखा है, वरुण गांधी को भी देखा है, और जो आगे प्रत्याशी थे ओम प्रकाश पांडे थे हमारे यहाँ के विधायक, उनको भी देखा है। बहुत से विधायक तो हमारे 83 साल की उम्र हो रही है, बहुत से विधायकों को देखा है। क्या करते हैं आप? खेती का काम करते हैं और यही पाठ पूजा पंडितई का काम करते हैं। अच्छा, यही है। खेती है आपके पास? कितनी खेती है अपने पास? खेती भी है थोड़ी मोड़ी, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसी में अपना काम चलाते हैं किसी प्रकार से। सब चुनाव चल रहा है बाबूजी, तो क्या चर्चाएं हैं, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? अब मुद्दा जो है हमारे यहाँ विकास का मुद्दा है, हमारे यहाँ विकास होना चाहिए। देखिए सड़क जो है बनी हुई है, इसको ठीक होना चाहिए, गरीबों की सुरक्षा व्यवस्था ठीक से होनी चाहिए, यही मुद्दा है हम लोगों का। क्या किस तरह सुरक्षा है? सुरक्षा किस तरह, किस चीज़ की सुरक्षा? अरे सुरक्षा पूछी जाए तो बहुत सी सुरक्षाएं हैं, लेकिन हम सब तो जो है आर एस एस के बिक चुके हैं, अब जाएं तो कहाँ को जाएं? बिक चुके हैं मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिक चुके हैं। अरे बहुत दिन से वहीं मिला, आर एस एस से जुड़े हुए हैं, उसी में जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए और बिकने में अरे वही है कि जुड़े हुए बिकने में सब वही है, क्योंकि हमारा तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है आर एस एस का। अच्छा, बहुत दिन पहले 35-40 साल के पहले उससे जुड़े हुए हैं, तो हम जाए तो आरएसएस से क्यों जुड़े, किसने जोड़ा आपको, क्या कारण है? ओम प्रकाश पांडे ने जुड़ाया हमको। अच्छा, पूर्व मंत्री जी, तो वो जो कैंप में लगते हैं वो सब भी किया है आपने, आईटीसी ओटीसी वो सब जो होता है, हैं जो कैंप वगैरह होते हैं आरएसएस के, वो किए हैं आपने? कैंप जो हमारे यहाँ लगती है सब कैंप में रहते हैं। अच्छा, क्या होता है कैंप में, कुछ क्या बताया? ऐसे मुद्दे के ऊपर बातचीत होती है, विकास के लिए आते हैं लोग और सब देख करके चले जाते हैं, कोई विकास देखता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। हमारे गांव की जितनी सड़कें हैं ये सब खराब हो चुकी हैं। पहले तो गांव का विकास सड़कों के द्वारा, रास्ता जब ठीक नहीं है तो विकास कहां से होगा? पहले रास्ता चाहिए हम लोगों को। इनका जो सांसद है मेनका गांधी, इनका काम कैसा रहा? इनका काम तो ठीक ही था, लेकिन हमारे गांव में तो कुछ विकास नहीं किया है, क्योंकि हम तो बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन विकास अब देखिए जब से मेनका गांधी जी पहले भी आई थी इसको देख चुकी थी, और विकास जो है हमारे यहाँ आर्थिक विकास हुआ है। किस तरह का आर्थिक विकास? हर एक प्रकार से आर्थिक व्यवस्था में हमारे यहाँ कमी नहीं है, उद्योग सब लोग कर रहे हैं, अपना कमा खा रहे हैं,
बस यही गड़बड़ी जो है रास्ते की एक गड़बड़ी है बस, रास्ता बन जाए तो बाकी सब ठीक है। और जो कुछ पूछिए पूछ बता रहे हैं। तो मेनका गांधी आप कह रहे हैं कि उनका काम जो है गांव क्षेत्र में आपके क्षेत्र में ठीक नहीं रहा। हमारे क्षेत्र में तो सबसे पूछिए यही एक मुद्दा है खास, रास्ते का, सड़क का मुद्दा है। और कोई मुद्दा नहीं है। और गांव में जितने क्या नाम है आपका? जयराम जी। जितना काम इन्होंने किया है, नाम नाम सुबेदार सिंह जी। जी क्या करते हैं सुबेदार जी आप? बस यही खेती बाड़ी काम है हमारा। अच्छा जी, क्या होता है खेती में यहाँ पर? बस यही सारी फसल होती है। सारी फसल होती है जी। और इनके कार्यकाल में कोई कमी नहीं भैया, इनको अगर कोई कहा है ये बहुत ही हिसाब का हर काम कर रही है। अच्छा। पसंद कर रहा है वो भी मोदी के नाम वोट दे रहा है। हाँ, जो, जो मेनका को नहीं पसंद कर रहा है वो भी मोदी के नाम वोट दे रहा है। ऐसे लोग भी हैं क्या जो जो प्रत्याशी को पसंद नहीं करते हैं, मतलब मेनका गांधी को पसंद नहीं करते? अच्छा, क्या कारण है ना पसंद करने का? सबका अपना अपना कारण है। आ रहे हैं मोदी जो जब से आए तब से एक तो यह अच्छा काम हुआ कि हमारे यहाँ राम मंदिर, कितने दिन से बाबर की मस्जिद कही जाती थी, बाबरी मस्जिद कही जाती थी, राम मंदिर आज बन करके तैयार है। कितनी हमारे खुशी की बात है, हमारे क्षेत्र में कितना खुशहाली हुई। कहते हैं कि हम सनातन धर्मी हैं, एक सनातन धर्म का उसके लिए एक विकास तो हुआ। पर जैसे कांग्रेस वाले बाबूजी कहते हैं कि ये तो कोर्ट का आदेश था इसलिए बना। देखिए कोर्ट का आदेश आया था, कोर्ट के आदेश को तो हम लोग जानते ही नहीं, हम तो ग्रामीण यहाँ के ग्रामीण हैं। सुना है कि एक बार राजीव गांधी आए थे बहुत पहले, उसका शिलान्यास करके गए थे, लेकिन उसके बाद फिर कोई उसको मुड़ करके देखा नहीं, मुड़ करके देखा नहीं। अगर योगी और मोदी कृपा नहीं करते तो अवध क्षेत्र का सारा मुद्दा जो है वो खत्म हो जाता है। ये जैसे बाबूजी कह रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर है, तो खत्म हो गया। खत्म है अब राम मंदिर मुद्दा था, मुद्दा खत्म। क्या नाम है आपका? झाम सिंह। अच्छा, तो राम मंदिर मुद्दा खत्म है, अब क्या मुद्दे चल रहे हैं बाबूजी? कुछ नहीं, जो बता रहे हैं गुरु जी, मतलब ये रास्ता, लेकिन उसको भी बता गए मेनका जी आए थे अभी। अब बाबू जाओ लोग तो पूछ ले, सब वापिस वोट डालेंगे तो और लोग क्या करेंगे जी। 3 महीना में बता गए, 3 महीना में काम चालू हो जाएगा। अभी आचार संहिता है, डबल रोड बनेगा, रोड पास हो गया, पास हो गया, पैसा भी आ गया, वोट भी लग गया था पगन बाजार में। इसका सबसे बड़ी समस्या रोड की है, बस बस यही रास्ते की है। और सबको रोड भी मैडम बोल गई हैं कि बन जाएगा 3 महीने के अंदर में। प्रचार करने आई थी मैडम? हाँ हाँ, बरसों से लगा रहे हैं यहाँ पर। 14 तारीख को आई थी। जो काम किया बहुत बढ़िया काम किया है 5 साल में। क्या किया जैसे बताइए मेनका गांधी ने? क्या नाम है आपका? शंकर सिंह। मेनका गांधी ने 5 साल के कार्यकाल में जो काम किया वो सराहनीय है, संतोषजनक है। आगे जो काम थोड़ा बहुत रह गया है वो भी आने वाले समय पूरा हो जाएगा। अच्छा। विकास बढ़िया हो रहा है, मोदी के नेतृत्व में देश का अच्छा संचालन हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है, लोग जागरूक हो गए हैं, सबको रोजी रोटी मकान मिल रहा है, जो छप्परों में रहते थे मकानों में रह रहे हैं। अच्छा, सबको मिला पक्का मकान यहाँ पे? बिल्कुल है, जो बाकी रह गया वो भी आने वाले समय में सबको मिल जाएगा, वो भी चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। 80-85% मकान तो बन ही गया बा। अच्छा। और मान के चले कि मुश्किल से 10% बचा हुई है। अच्छा, बाकी लगभग 150 कॉलोनी बना है हमारे यहाँ। 150 कॉलोनी पिछली बार वाले टर्म में प्रधानी में 150 कॉलोनी बना है, मोदी और योगी की देन है। तो यहाँ वोट मोदी योगी के नाम पर पड़ता है कि मेनका गांधी? मोदी योगी के नाम, योगी मोदी नाम पर, योगी मोदी के नाम वोट पड़ता है। अच्छा, योगी मोदी, हाँ वो नहीं कही। और जो सामने गठबंधन है अखिलेश यादव, यहाँ पे कोई गठबंधन नहीं है, एक तरफा है। तो ये राम भुवाल निषाद जो है ये कैसे प्रत्याशी? कोई जानता नहीं, हम लोग देखे नहीं है, तीन अभी अभी देखे नहीं है उनको, आए नहीं आप लोग के क्षेत्र में, देखे नहीं है उनको। उनका कोई मतलब नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, यहाँ इस क्षेत्र में केवल बीजेपी का ये भी पूर्व प्रधान है ना, वो आए हैं ना आने वाले हैं। पूछना हो और तो पूछिए। जैसे मान लीजिए चुनाव हो रहा है ना, नेताजी आपसे पूछे, लोग यहाँ आके पूछे, प्रधानमंत्री पूछे गाँव देहात में क्या काम होने चाहिए, तो क्या बताएंगे उनको आप? तो बस यही बता दिया कि हमारे यहाँ के रास्ता थोड़ी खराब है, इसी को बनाना चाहिए, कोई विशेष मुद्दा नहीं है।
सब अपना रोजी रोटी चला रहे हैं और हमारे यहाँ तो बहुमत है। अच्छा, हम लोग जो खड़े हुए हैं राम गोपाल निषाद उनको जानते ही नहीं कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है, कभी देखा नहीं है। अब आकर के चुनाव में खड़े हुए तो उनका नाम सुना। जैसे जैसे आप लोग का गांव क्षत्रिय बहुल राजपूत बहुल्य गांव है, है ना। हम तो मैं तो पश्चिमी यूपी से घूमता हुआ आ रहा हूं और तमाम जगह हमने देखा कि राजपूतों की नाराजगी नजर आ रही थी तमाम मुद्दों पर। गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला वाला बयान था तो उस तरह की नाराजगी वो चीज मुद्दा कोई नाराजगी नहीं है क्षेत्र में, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कोई मुद्दा नहीं है वैसा, ऐसा कुछ नहीं है, सब हवा में। यहाँ जो सारा केवल एक ही जो है क्षेत्र में, इस क्षेत्र में केवल बीजेपी का ही वोट है, बीजेपी को ही। और क्षत्रियो वाला मामला है, क्षत्रिय लोग पूछ ले, आप तो पंडित जी ना जी। यहाँ बोलते हैं तो क्या अलग है, इन्हीं के बीच में तो हम भी रहते हैं। ये लोग गुस्सा नहीं है, ये तो इनके साथ हम गुरु हैं तो इसलिए हमारे गांव में हमारे समाज में चाहे क्षत्रिय हो चाहे जाधव हो चाहे ये हमारे गांव में तो अल्पसंख्यक है नहीं, पिछली निचली जात के हैं, हरिजन जिसको कहते हैं वो सब हैं, लेकिन वो भी सब इसी से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि जो कहता हो कि हम भाजपा के सिवा दूसरी पार्टी को वोट देंगे। आप पूछत रहे कि गठबंधन, गठबंधन को वोट दे के कई दिन चले सरकार, हमारे समझ में आया होती है। देखिए, गठबंधन की सरकार जो है यह लंगड़ी सरकार है, तो लंगड़ी सरकार कितना दिन तक चलेगी? कौनो काम हो व्यवहार कहती है, व्यवहार कहती, कोई उधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई उधर जाएगा। आज जब तक चुनाव है, प्रधानमंत्री कौन होगा? सुनिए, गठबंधन तय कर नहीं पाया प्रधानमंत्री कौन होगा, अरे कितने दिन के लिए होगा। अरे पंडित जी, किसी और बोलने नहीं देने लग रहा है हमको, पर पंडित जी ये प्रवचन नहीं चल रहा। गठबंधन जो है, गठबंधन जब तक चुनाव है तब तक गठबंधन है, और गठबंधन के बाद फिर वो गठबंधन नहीं रहेगा, वो खटपट बंधन हो जाएगा। जब किसी में बहती नहीं कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन क्या होगा, लोग कह रहे हैं चुनाव जीत ले बताए कर लेंगे प्रधानमंत्री कौन होगा, कौन लोकसभा में आएगा। जब ये गठबंधन जो है ये कुछ जानते ही नहीं है, अभी तक उनका तय नहीं हुआ है मसला, घर में तय नहीं हो पाता, बाहर का तय करेगी, अपने घर में नहीं तय हो पाता ये, तो इसलिए हाँ उन्हीं से जुड़े हुए हैं। जी बाबू जी, हम सुन लिया आपको, बाबू लोग बात कर लें दीजिए हमको, धन्यवाद आपका। जैसे कि हाँ, जो भाई बात कर रहा था कि भाई क्षत्रिय बहुल्य गाँव है, आप लोगों ने कहा कि नाराजगी जो थी जो पश्चिम वाली, वो यहाँ पर कोई नाराजगी नहीं है। हाँ, और जैसे आप लोग क्षेत्र के एक बड़े नेता हैं, दो खुशी हुए ऐसा नेता आया तो हमारे गांव में, कौन बड़ा, अरे मेनका जी, श्री मेनका जी जब आई तो कितनी खुशहाली हो गई हमारे गांव में, क्षेत्र में, कि अब हमारे गांव में जो कुछ बाकी है बचा हुआ है वो भी विकास में आ जाएगा, इसलिए सब लोग खुश हुए। अच्छा, 2 लाख वोट ज्यादा भी होंगी। अच्छा, और मंत्रिमंडल में, पर पिछला चुनाव तो बहुत बुरा फंसा था, सोनू मोनू को जैसे समर्थन में, अब वो भी जानती है कि वो लड़ते तो फिर वही हाल होता। अच्छा, अगर वो टिकट पाते सपा से फिर वही हाल होता। आप कह रहे हैं सोनू मोनू सिंह में कोई लड़ा होता तो अच्छा चुनाव होता। हाँ, अच्छा चुनाव तो टक्कर का होता, बिल्कुल टक्कर। आप लोग क्या करते, आधा आधा हो जाता, यही आधा आधा हो जाता, यही जहाँ खड़े हैं यही आधा हो जाता। पिछला चुनाव 2019 का, यहाँ पर जीती 2019 का चुनाव, यहाँ माता जी जीत के गई है। अच्छा, हाँ, लेकिन फिर भी कुछ वोट चले जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, अगर वो खड़े होते पहले भी, अभी भी हो जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ 3 किलोमीटर के बगल के, यहाँ से आधा आधा हो जाता जब वो होते तो।
जैसे सोनू मोनू सिंह आपके पास लड़ नहीं रहे हैं तो उन्होंने किसी को समर्थन में तो नहीं किया है? समर्थन नहीं किया, लेकिन अंदरूनी सपोर्ट में है हम लोग के, भाजपा के साथ हैं। अच्छा, अंदर से प्रचार तो नहीं कर रहे? अरे प्रचार अभी नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। प्रचार करने कोई जरूरत भी नहीं, हमें तो लोगों ने बताया वो लोग दिल्ली में है, जानबूझ के यहाँ नहीं आ रहे हैं। जो है जो उनके साथ में रहते थे वो सब प्रचार में आए यहाँ। वो अगर सपोर्ट नहीं कर रहे विरोध भी तो नहीं कर रहे हैं ना, वो अंदरूनी सपोर्ट तो है हमारे साथ ही। हमको कह रहे हैं जहाँ मर्जी वोट दो, तो इशारा हो गया कि दो तो वोट तो जय श्री राम पे। अरे वो राम भुवाल को जो है समर्थन नहीं देंगे, किसी भी हाल में नहीं देंगे। अच्छा भाई, मगर जैसे कि हम लोग तो ये भी सुनते आए हैं कि भाई सोनू मोनू सिंह का जो मेनका गांधी वरुण गांधी इनके परिवार से अच्छे संबंध नहीं रहे, खटखटपट रहे हैं। पुराना बहुत अच्छा संबंध था, बीच में थोड़ा मनमुटाव हो गया था और बहुत पुराना संबंध है। ऐसा नहीं है, संबंध अच्छा है, संबंध में कोई दिक्कत नहीं है। ना फर्क पड़ता है उन लोगों के साथ रहने से, वरुण यहाँ 1.25 लाख से जीते थे और उनके लड़ने से 14,000 से जीती मेनका, तो इतना असर पड़ता है सोनू मोनू का। वो इतना असर पड़ता है, उनका असर पड़ता है, वो क्षेत्रीय है, उनका असर पड़ता है। इस बार साथ में है, साथ कहाँ है, साथ कहाँ बोले ना, साथ अंदर से साथ में दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन सब लगे हुए हैं। उन्होंने कह दिया जाइए जो करना कीजिए आप लोग। हम लोग जो है यार यहाँ पे राजा भाई, आप क्षत्रियों में राजा भाई एक प्रभाव रहता है, रिलेशन भी है आप लोगों के। तो जैसे उनकी बातचीत चल रही थी बीजेपी से, पर उनकी बातचीत नहीं बनी, पहले था कि समर्थन में आ जाएंगे, अब उन्होंने कह दिया है कि हमारा ना किसी को समर्थन है ना किसी का विरोध है, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? हम लोग एक साथ मत बोलिए, हम लोग चाह रहे थे एक सीट उनको मिले, गठबंधन हो एक सीट मिले उनको, कुछ अम्बी वाली सीट मिलनी थी, उस पर बात हो रहा था, सीट नहीं मिली नहीं बोल रहे, सीट नहीं मिली नहीं बोल रहे, लेकिन ये भी नहीं एक विरोध में है, ये भी नहीं एक समर्थन में भी नहीं, कैसे आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। देख रहे हैं हम लोग, उन्होंने कह दिया समर्थन में नहीं, वो मुंह से नहीं बोल रहे हैं लेकिन समर्थन में हैं, वो यहाँ मना नहीं कर रहे हैं, नहीं तो बात होती है ना। उन्होंने समर्थन क्यों नहीं किया, सीधे क्यों किया? अब वो उनकी बात है, अब वो क्या कर रहे हैं उनकी बात है, लेकिन वो मना नहीं कर रहे हैं कि आप वोट किसको दीजिए, वो इसका मतलब है कि बीजेपी को वोट करिए। दबाव भी बनाते, अगर वो दबाव भी बनाते कि आप सपा को दीजिए तो हम लोग सपा को नहीं देते, लोटा दाब देंगे। अच्छा, सपा को नहीं देंगे। अच्छा, सपा क्यों नहीं जाएगा, ऐसा क्या कारण? सपा और बसपा कांग्रेस ये सारी पार्टियां हम लोगों ने देख लिया है। अच्छा, कभी एक पैसे का कोई काम यहाँ हुआ नहीं है, अभी तक कभी चल रहा है, ये राष्ट्रवाद का है। 15 साल से क्या सपा है, विधायक 15 साल से है, क्या किया हमारे क्षेत्र में, कुछ प्रदेश को लूटा है। मेनका गांधी ने वहाँ से लेकर वहाँ तक 600 मीटर सड़क हमारे गांव में दिया। एक बार विधायक जी आए थे यहाँ पे, आग लगी थी यहाँ पे, तो उन्होंने क्या बोला, मतलब कैमरे के सामने उन्होंने बताया कि यहाँ पे 2 लाइटें लगेंगी, एक चौराहे पे लगेगी, एक हम लोगों का मतलब पवित्र स्थल है पूर्वज का, तो बोला था वहाँ पे लगेगी। तो अभी तक उसका मतलब ना तो कोई लाइट आई ना कुछ आया, मतलब सिर्फ फेंकू है, कैमरे के सामने ही बता देंगे कि ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, उसके बाद कोई वो नहीं है उनके पास। अखिलेश यादव कैसे लगते हैं आप लोगों को? फेंकू है वो भी। क्या नाम है आपका? सूर्य प्रताप सिंह। क्या करते हैं सूर्य? पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हो? ग्रेजुएशन कर रहे हैं NIPS से, सुल्तानपुर से। अच्छा जी, आगे क्या इरादा है? आगे PhD करना है। PhD करोगे जी? अच्छा, क्या बनना चाहते हो? अभी देखिए PhD करने के बाद प्रोफेसर वगैरह जो मिल जाएगा, अभी तो ऐसे आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, पेपर क्लियर हुआ है, रनिंग है 24 से 30 तारीख तक के बीच में। अच्छा, तो अग्निवीर वाले में जा रहे हो जी, तो अग्निवीर को लेकर क्या सोचते हो? अग्निवीर है तो गलत ही, लेकिन अब जो सरकार चल रही है उस हिसाब से करना तो पड़ेगा कुछ। ज्वाइन करोगे जाके? ज्वाइन करेंगे, एक सपना है अब उसे पूरा तो करना ही है। क्या अच्छा लग रहा है उसमें, क्या कमी लग रही है? अच्छा तो नहीं लग रहा है, अगर वो परमानेंट हो जाता तो ठीक था। अब यही मतलब जैसे 4 साल बाद वापस जो आ जाएगा वो क्या करेगा गांव में आके, वो कोई रोजगार करेगा? जो 4 साल अग्निवीर बनाया है, सरकार की नीति है कि आने वाले समय में जो अगला बैच तैयार हो रहा है उसको भी रोजगार मिले, ये तो अच्छी है, पूरे विश्व में लागू है, यहाँ भी लागू हो गया, कोई जरूरी नहीं है। अग्निवीर जो है सरकार की यही नीति है कि हमारे यहाँ कोई
खाली न रहे बिना रोजगार के, सबको थोड़े न मिल रहा। हाँ। वो तो टेस्ट होगा पूरा। सुनिए अग्निवीर, इसलिए कि भाई वो 60 वर्ष तक वहाँ काटते थे, 60-65 तक वो, इसलिए वो जगह, सुनिए उनकी जगह रिक्त रहती थी। सरकार ने इसलिए निकाला कि अगले को भी मौका दिया जाए, जिससे कि सबको रोजी रोटी रोजगार की जो है। ये युवा हैं, ये बदीन है, वो खुश नहीं है, कह रहे हैं कि 4 साल बाद क्या करेंगे फिर। इसीलिए तो इसमें जो है विरोधाभास तो होगा ही, कोई चाहता है कि हम 60-65 साल तक रहें, है यही है इसमें। इसीलिए इतना 4 साल में इतना पैसा लेके आएंगे, चाहे जो बिजनेस करें, इतना पैसा लेके आएंगे, 50 लाख रुपए लेके आएंगे, चाहे जो बिजनेस करें। हाँ, वाला आप लोग खुश हैं इस योजना से, आप लोग के बच्चे जाएंगे इसमें? बिल्कुल खुश है, 50 लाख रुपए ले आएंगे, लेके आए बिजनेस करें। आर्मी वाले है भी, आर्मी वाले गाँव में बहुत आर्मी वाले, आर्मी वाले है ना, अग्निवीर वाले तो नहीं, अब नए बच्चे तैयार। आर्मी वाले हैं, जो आर्मी वाले जो पूरी पूरी नौकरी करके आए हैं या वीआरएस लेके आए होंगे कुछ लोग, तो वो इस योजना से खुश हैं? खुश ही हैं, बच्चे को बेरोजगारी इधर उधर कर रहे हैं, तो यही 4 साल की ज्वाइनिंग करेंगे, आके अपना और धंधा करेंगे। यही है कि कोई रोजगार को लेकर क्या कुछ बातचीत होती है, मुद्दा है यहाँ पर? केवल इस सरकार में एक ही मुद्दा है कि इस सरकार में वैकेंसियां बहुत कम निकली है, मेन फैक्टर इनका यही कमजोर पड़ रहा है, बाकी हर चीज अच्छा है इनकी सरकार में। रोजगार को लेकर चिंता करनी चाहिए केवल। और जैसे गांव में बुनियादी सुविधाओं की अगर बात करें, शिक्षा को लेकर स्कूल वगैरह कैसे हैं, अस्पताल वगैरह कैसे हैं, सब लोग एक साथ बोला करिए। स्कूल की शिक्षा और हॉस्पिटल की शिक्षा व्यवस्था इतनी बढ़िया हो गई है कि उतना प्राइवेट में नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ हॉस्पिटल है कुड़वार, मेन मार्केट में पड़ता है, आगे आ पीछे मत। तो इनकी सरकार में वहाँ कोई मिलता नहीं था, अब वहाँ पर वीआईपी व्यवस्था, एसी व्यवस्था है। अच्छा, इस सब डॉक्टर वगैरह आते हैं, देखते हैं, परमानेंट मिलेंगे आप चाहे 12 बजे दवाइयां मिलती हैं ठीक से। हाँ, पूरी सुविधा है। अच्छा, और स्कूल वगैरह क्या? स्कूल व्यवस्था इनकी इतनी अच्छी है कि पहले मास्टर आते थे 12 बजे 11 बजे, एक मास्टर आए हैं, स्कूल चल रहा है, अब 9 बजे तक जितने मास्टर हैं सब टाइम पर पहुंच जाते हैं। अच्छा, मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, सारे अध्यापक जो बच्चे थे, जो नए बच्चे आए, जो पढ़ के अब बच्चे आए हैं, वो मेहनत कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों को प्राइमरी टक्कर दे रहा है। सुल्तानपुर के बारे में राजनीति की अगर बात करें, तो यहाँ पर एक फैक्टर ये भी चलता है कि जल्दी से कोई रिपीट नहीं करता, एक बार जो संसद रहा अगली बार वो ऐसा नहीं है। एक मामला से रहा है सर, डीबी रहा दो बार इकलौते भाई है अपवाद, तो इस बार क्या, इस बार टिकट नहीं पाता पार्टी से, कैसे जीतेगा दोबारा? जो पार्टी टिकट पाएगा जीते। दादा दो बार हुए थे, दो तीन बार हुए थे, नहीं एक बार हुए थे। अरे कांग्रेस वरुण गांधी कैसे सांसद थे आप लोग? बहुत अच्छे सांसद। अच्छा, बहुत अच्छे सांसद। उनको क्या भेज दिया था वहाँ? पीलीभीत। अरे पीलीभीत भेज दिए उनको, माता जी को ला के यहाँ कर दिए। वरुण गांधी थोड़ी तामसी पर भी हैं, वो सरकार बोलते हैं बहुत अच्छा, सरकार खिलाफ जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, उसमें कमी नहीं है कोई। क्या सही बोलते हैं? जो भी बोले, चाहे जिस विषय में बोले हों वरुण गांधी, वो बहुत अच्छा बोले। अच्छा, सही बोलते हैं। तो इस बार जैसे उनका टिकट कट गया, तो सुल्तानपुर वाले क्या सोच रहे हैं? आप लोगों को तो उम्मीद रही होगी कि अब यार फिर से वो आ जाएंगे। पार्टी में रहकर पार्टी के विरोध करना गलत है, पार्टी में रहकर पार्टी के विरोध करना गलत है। वरुण गांधी ने ये गलत किया, पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए टिकट कटा। बिल्कुल, इसीलिए कटा और कटना चाहिए था। अच्छा, वरुण गांधी का टिकट कटा, 200 लोगों को सबक मिला इससे। अच्छा, ये मकसद है ये पार्टी का, जिस पार्टी के विषय में आप पूछ रहे हैं, इसमें है कि एक परिवार का 2-3 आदमी, जैसे मुलायम सिंह यादव के जो हैं नाती पोते, बेटी बेटे, बहुएं सब जुड़ी हुई हैं, भाई अगले को भी मौका दो, कोई काबिल आदमी है काम करने वाला तो दूसरे आदमी को भी मौका देना चाहिए। परिवारवाद बीजेपी में नहीं है? नहीं, परिवारवाद नहीं है बीजेपी में। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, ब्रजभूषण सिंह के बेटे, 2 बेटे, 1 विधायक, 1 सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, कितने ऐसे चल रहा है, परिवारवाद है कि नहीं? अच्छा, आप बताओ पहले ही हमको बात। भूषण के विषय में हम जानते हैं हर एक बात, परिवार नहीं है योगी मोदी में, परिवारवाद नहीं है। अरे परिवारवाद भैया उसको कहते हैं कि पूरा परिवार ही शामिल करो, परिवारवाद उसको कहते हैं कि घर का कोई सदस्य न बचे, सबको शामिल कर लो, उसको परिवारवाद। योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं आप लोगों को? बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत
उन्हीं के ऊपर नाम चढ़ा, अगला प्रधानमंत्री योगी होंगे इसके पांच साल के बाद, मोदी के बाद। जैसे अरविंद केजरीवाल का बयान आया, वो कह रहे हैं कि बस चुनाव बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा देंगे, दो तारीख का इंतजार करें, वो खुद ही जेल चले जाएंगे, उनको उनका उनको जेल में रहना है, वो उनको जेल में रहना है, वो तो अफवाह है। केजरीवाल को गलत फहमी है कि योगी सीएम पद से हट जाएंगे, वो अपना वही देखे दिल्ली और पंजाब, भगवंत मान को देखे। ऐसी चर्चाएं जो होती रहती हैं आप लोग तक भी आती होंगी। हटावे का मतलब है कि यूपी से भाजपा पतन, भाजपा को मिटा देना, पूरे प्रदेश खत्म हो जाएगी भाजपा। अच्छा, योगी हटावे का मतलब बीजेपी का पतन, अपना देखा था फिर इन रह जाए, बीजेपी का पतन हो जाए योगी जौने दिन हटा दे, ये तो 100% क्यों है, क्योंकि उनका इतना अच्छा काम है, हर बिरादरी उनसे खुश है। क्या काम है योगी जी का, क्या नहीं है, क्या नहीं है? सबसे पहले तो कानून व्यवस्था, पंकज सिंह, सबसे पहले तो कानून व्यवस्था, एकदम गुंडागर्दी नहीं है, बदमाशी नहीं है, प्रशासन को खुल के छूट मिली है, है ना? पहले होता था क्या ये सब? पहले किसी भी विधायक के पास जाओ, थाने पर जाओ, तो विधायक जी का फोन आ जाता था। अब विधायक सांसद का फोन जाने पर थाने वाले नहीं सुन रहे हैं, वो अपना काम मनमानी कर रहे हैं। प्रशासनिक जो उसका कार्यशैली है योगी जी का, कि हम हस्ताक्षेप नहीं करेंगे, अपने हिसाब से जो आपको जो सही है वो देखना है। अच्छा। ये चीज है उसकी। और योगी जी, योगी का शासन जो है बहुत लोकप्रिय है, बहुत अच्छा है। जो केजरीवाल कह रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो आने वाले वक्त में बीजेपी का पतन हो जाएगा पूरे देश से, भी बता दूं मैं। अच्छा। क्योंकि 80 सीटें हैं यूपी में, योगी बाबा को हटाना कोई मूली का वो नहीं उखाड़ फेंक दो उनको, बहुत गहरी। 80 सीटें जो है यहाँ पर, वो योगी जी के नाम पे आएंगी कि मोदी जी के नाम पे? योगी जी के नाम पे आएंगी, कोई वो नहीं है, दोनों के नाम पे, दोनों के नाम पे है। ये जरूरी नहीं है कि मोदी को हटा दो, योगी को अगर हटा दो तो वो नहीं होगा, एक दूसरे का पूरक होगा, इनको हटाया नहीं जा सकता, फिर तूर्फार हो जाएगी मोदी के बाद योगी। हाँ। फिर वही होगा कि कुछ लोग मोदी के को देख करके वोट करेंगे, कुछ नहीं तो फिर तीसरा मारेगा इसमें बाजी। अच्छा, फिर तीसरा मारेगा, जैसे मोदी बुलाया गया पार्टी वैसे योगी बुलाएगी। अच्छा, प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री के लिए। अच्छा, तो आप लोग चाहते हैं अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार? बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं कि मोदी के बाद अगली बार मोदी जी रहे 29 में कि योगी जी रहे, तो अपने आप आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे, कहना नहीं। अगर उनके पास समय है, जैसे कि उम्र भी एक होती है ना, अगर उनकी कार्यशैली है कि अभी हम कार्य कर रहे हैं तो मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन अगर मोदी जी के बाद कोई आए तो फिर योगी ही आए। चलिए भाई, तो ऐसा है जी भाजी, पार्टी के विषय में देखिए, पार्टी के विषय में, पार्टी जो है वो चाहे जिसको प्रधानमंत्री बना दे, लेकिन योगी ऐसा मुख्यमंत्री कभी न हुआ था, अनहोने वाला है। अच्छा। अगर योगी हट गए यहाँ से तो समझ लो कि पार्टी भी हट गई। भी दुनिया देख सकते हैं, 10 साल वो मुख्यमंत्री हो रहे हैं, कभी कोई दंगा, कोई जो है दिक्कत, कोई परेशानी दिख रही है प्रदेश में? एकदम शांति का माहौल, एक दंगा नहीं हुआ है, एकदम शांति का। वैसे ही ये देखा जा सकता है कि उनकी कार्यशैली कैसी है, है ना? क्योंकि एक ऐसा नहीं है, शासन चलाने का मतलब है कि शासन चलाने वाले को भी सख्त होना चाहिए। जितने माफिया थे, पहला काम से कि जितने माफिया थे वो रसातल में चले गए हैं, वो ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री कौन होगा? इसलिए हम लोग चाहते हैं कि योगी के सिवाय कोई दूसरा उनके पद को न ग्रहण करे। हम यही चाहते हैं कि योगी ही जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और आगे चल के प्रधानमंत्री के विषय पर उनका मंथन होगा। हम लोग मंथन भी कर रहे हैं, पार्टी भी मंथन करेगी। अच्छा, आप बता रहे थे आप संघ से जुड़े हुए हैं, कई जगह लोग बोल रहे हैं कि संघ वाले चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं इस बार, ऐसा है क्या? कौन कहा, हम कहा संघ वालों का कहा लड़ा रहे हैं? कोई बात हमारी मुख से सुना? नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा। क्या कि संघ वाले चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं इस बार ठीक से, ऐसा है क्या? क्या नहीं लड़ा रहे हैं आप बताओ, कौन कहता है कि नहीं लड़ा रहे हैं संघ वाले चुनाव? लड़ा रहे हैं, बिल्कुल लगा रहे हैं, लड़ा रहे हैं। अच्छा। और योगी जब से हमारे यहाँ, देखिए सुने, हम प्राचीन इतिहास से बता रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी
जिसकी नींव रखी संघ की, उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय आए, उसको और मजबूत किया। मुगल सराय में हो चाहे खड़जंत समझो चाहे जो समझो, वहाँ पर खत्म हो गए हमारे सुल्तान। अच्छा। लोकल नेता भी लड़ते थे पिछली बार जैसे, है ना, तो उनके कार्य से कुछ वोट बढ़ जाते थे, सोनमोनू सिंह की बात बढ़ जाते थे, लेकिन जब वो इस बार मैदान में नहीं है तो इस बार बीजेपी जीतेगी नहीं, जीतना तो एक अलग बात है, मतलब रिकॉर्ड होगा उसका, रिकॉर्ड होगा। चलिए भाई, तो ये सुल्तानपुर के हमें गांव में थे, जी का सपना साकार हो रहा है जी। हाँ। साकार हो रहा है, उनको कश्मीर, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में उनको मार दिया गया था। इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं, कांग्रेस ने इस देश के साथ क्या किया है, 10 साल में मोदी जी जो काम किया है, 10 साल में मोहन सरकार, मनमोहन सिंह सरकार ने नहीं किया है। हम लोग बस बस यही पर्याप्त, खत्म करते हैं। अगर भाजपा नहीं होती तो कश्मीर से 370 धारा जो है कोई हटाने वाला नहीं था। देश में अब हमारा पूरे देश में जो कानून हो सबके लिए हो, हमारा बीजेपी इसलिए चाहिए, पीओके भी होगा, एक संविधान होगा, होगा एक कानून जो हो सबके लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जी, सिविल भाई। हम जो हो इसी देश में रह रहे हैं वो भी इसी देश में रह रहे हैं, जो सुविधा हम पा रहे हैं वो सुविधा वो बात कर रहे हैं जहाँ कश्मीर की। अच्छा। जो कर, हैं? तो ये क्या है कि हमारे लिए अलग कानून उनके लिए अलग कानून, एक देश में क्या गलत किया बीजेपी ने, क्या गलत किया, बहुत अच्छा काम किया है। अरे 370 धारा से इनके पेटों में खलल मच गई है, दर्द होने लगा भाई। तो ये है सुल्तानपुर का एक गाँव, यहाँ हमने बात की चुनाव के बारे में, मेनका गांधी के बारे में, क्या चुनाव में हो सकता है, लोगों ने अपना पक्ष रखा। आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए हमारी यात्रा, कौन जीत रहा है। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ पंकज है, शुक्रिया। वी गॉट प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।